हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ के टॉप 5 हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवीज। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ इंडस्ट्री जो है वो सस्पेंस थ्रिलर और हॉरर मूवीज के लिए बहुत ही फेमस है, जहाँ पे आपको सस्पेंस थ्रिलर और हॉरर मूवीज की एक से एक बढ़िया स्टोरीज वहाँ पे मिलेगी। तो उन्हीं सब स्टोरीज में से, उन्हीं सब मूवीज में से टॉप 5 ऐसे हॉरर एलिमेंट्स वाले मूवीज आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ। बस एक टिप देना चाहूंगा कि ये मूवीज आप अकेले मत देखना। अगर आप हॉरर मूवीज के शौकीन हो और आपको ऐसे हॉरर सस्पेंस मूवीज देखने का शौक है तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैंने साउथ के टॉप 5 ऐसे हॉरर मूवीज आपके लिए लेकर आया हूँ। ज्यादा देर नहीं करेंगे दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको इस वीडियो में से कौन सी मूवी आपको अच्छी लगी, कौन सी मूवी आप देखोगे, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। काउंटडाउन नंबर 5 पे आती है साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म लिसा, जो कि एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। इसकी स्टारकास्ट में आपको नजर आएंगे अंजलि, मकरंद देशपांडे, कल्याणी राजन जैसे और भी कई स्टार। इसकी आईएमडीबी की रेटिंग है 3.3 और 73% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। अब बात करें फिल्म के बारे में, तो ये फिल्म जो है वो थिएटर में पूरी तरह से फ्लॉप हुई थी इसकी कमजोर स्टोरी की वजह से, कमजोर कहानी की वजह से। लेकिन इस फिल्म को एक बार आप देख सकते हो। इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखने जैसी इसकी स्टोरी नहीं है, लेकिन आप इस फिल्म को यूट्यूब पे या फिर टीवी पे देख सकते हो, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बात करें फिल्म के स्टोरी के बारे में, तो फिल्म में लिसा नाम की लड़की को दिखाया गया है जो दोबारा शादी करना चाहती है, इसलिए वो अपने दादा और दादी से परमिशन लेना चाहती है। लेकिन उसके लिए उसे दादी और दादाजी तक पहुंचना होता है और इसी बीच उसके साथ क्या क्या हॉरर मोमेंट होती है, यही फिल्म की आगे की कहानी है। फिल्म की स्टोरी में इतना दम नहीं है, लेकिन जो हॉरर एलिमेंट डाला है वो कमाल का है। दोस्तों अगर आपको हॉरर और थ्रिलर मूवीज देखने का शौक है तो ये मूवी आप देख सकते हो। फिल्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहां पे जाके इस फिल्म को देख सकते हो। काउंटडाउन नंबर 4 पे आती है साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म कांचना 4, जो कि एक हॉरर कॉमेडी थ्रिलर सस्पेंस मूवी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको हॉरर का एलिमेंट भी मिलेगा, कॉमेडी का तड़का भी मिलेगा और साथ में उसके सस्पेंस और थ्रिल भी मिलेगा। इस फिल्म को आईएमडीबी की ओर से 5 की रेटिंग मिली है और वहीं 78% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। इस फिल्म के स्टारकास्ट में आपको नजर आएंगे अश्विन बाबू, धनराज, सानिया बालाकृष्णा जैसे और भी कई स्टार। अब बात करते हैं फिल्म के स्टोरी लाइन के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक भूतिया बंगले की कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें लोगों का मानना है कि इस बंगले में भूत प्रेत आत्माएं हैं। उसके बाद एक टेलीविजन चैनल वहाँ पे एक शो रखता है जिसमें बताया जाता है कि इस बंगले में जो भी 7 दिन तक रहेगा उसे 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ऐसे में अपने जो कलाकार है वो वहां पैसों की वजह से जाते, तो अब उनके साथ उस बंगले में कौन कौन सी घटनाएं घटती है, यही फिल्म की आगे की कहानी है। फिल्म की स्टोरी में दम तो है, ये फिल्म आपको एंड तक पूरी तरह से एंगेज रखेगी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फिल्म में हॉरर के साथ साथ कॉमेडी का भी तड़का है, तो ये फिल्म आपको एंड तक पूरी तरह से एंगेज रखेगी। इस फिल्म की लिंक भी दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके इस फिल्म को देख सकते हैं। काउंटडाउन नंबर 3 पे आती है साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म यूटर्न। इस फिल्म को आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। इस फिल्म को आईएमडीबी की ओर से 7 की रेटिंग मिली है। इसकी स्टारकास्ट में आपको नजर आएंगे समंता, आदि और भूमिका चावला। बात करें फिल्म के स्टोरी लाइन के बारे में, तो फिल्म में एक हाईवे रोड दिखाया गया है। अगर उस हाईवे से, उस रोड से किसी ने भी यूटर्न ले लिया तो उसी रात उसकी मौत हो जाती थी। इन शॉर्ट उस रोड से, उस हाईवे से यूटर्न लेना मना था। ऐसे में फिल्म की लीड एक्ट्रेस समंता उस हाईवे से, उस रोड से यूटर्न ले लेती है। उसके बाद उसके साथ होने वाली घटनाएं, उसके साथ होने वाले हॉरर एलिमेंट, यही फिल्म में आपको आगे देखने मिलेगा। अब उस रोड की क्या कहानी है, क्यों वहां से यूटर्न नहीं ले सकते, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और हॉरर एलिमेंट इसमें बहुत ही जबरदस्त है। ये स्टोरी आपको एंड तक फिल्म से बांधे रखेगी। काउंटडाउन नंबर 2 पे आती है साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म मर्क्यूरी, जो कि एक साइलेंट हॉरर सस्पेंस मूवी है। इसको आईएमडीबी की ओर से 6.2 की रेटिंग मिली है। इसकी स्टारकास्ट में आपको नजर आएंगे प्रभुदेवा, गजराज, रमया नंबिशम। फिल्म की स्टोरी बहुत ही हटके है, ये फिल्म पूरी तरह से साइलेंट है। सिर्फ इशारों में इस फिल्म के डायलॉग बोले गए, जो हमें देखने के बाद समझ में भी आते हैं। फिल्म की स्टोरी में दिखाया गया है जहां 5 फ्रेंड्स अपने पुराने स्कूल के एक फंक्शन के लिए आते हैं और बहुत सारा एंजॉय भी वो करते, तो ऐसे में आधी रात को वो कार लेकर घूमने के लिए निकलते और वहीं एक हादसा हो जाता है। वो कार से किसी आदमी को बहुत दूर तक अनजाने में खींचते हुए लेकर आते हैं। जब उन्हें उस हादसे के बारे में पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है, वो आदमी मर चुका होता है और ऐसे में सब लोग डर जाते हैं और उस लाश को छिपाने के लिए एक बंद पड़ी मिल में जाते हैं और वहाँ पर उस लाश को फेंक देते हैं।
और उन पांचों में से किसी एक का आईपैड जो है वहीं लाश के पास गिर जाता है। ये बात उन्हें दूसरे दिन सुबह याद आती है। अब वो लोग उस आईपैड को लेने के लिए जाते हैं, जहां पे उन्हें आईपैड तो मिलता है लेकिन लाश नहीं मिलती। और इसके बाद स्टार्ट होता है मौत का तांडव। एक एक करके वो भूत, वो प्रेत आत्मा इन सब लोगों को मारने लगती है। फिल्म में हॉरर एलिमेंट बहुत ही जबरदस्त दिखाया गया है। ये फिल्म आपको एंड तक एंटरटेन करेगी और उसी के साथ साथ इस फिल्म का एंड आपको पूरी तरह से हैरान करके रख देगा। इस फिल्म की लिंक भी दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये फिल्म यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां पे जाकर आप ये फिल्म को देख सकते हो। अब काउंटर नंबर वन पे आती है साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म डेमोंटो कॉलोनी। ये एक जबरदस्त हॉरर मूवी है जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। इस फिल्म की आईएमडीबी की रेटिंग है 7। इसकी स्टारकास्ट में आपको नजर आएंगे अरुल नीति, रमेश तिलक और सनातन रेड्डी। बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में। फिल्म में चार दोस्त दिखाए गए जो एक रात ऐसे ही एंजॉय के लिए एक भूतिया महल में जाते हैं। उस महल में एक लॉकेट होता है जिसकी कीमत 500 करोड़ से भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो भी उस लॉकेट को उस महल से बाहर लेकर जाएगा उसकी मौत हो जाती थी। उस लॉकेट का मालिक भूत बन के बहुत ही दर्दनाक मौत देता था। और ऐसे में ये चार दोस्त उस लॉकेट को लेकर उस महल से बाहर आ जाते और उसके बाद स्टार्ट होता है मौत का तांडव। बहुत ही अलग तरीके से उन सबकी मौत हो जाती है। फिल्म में जो हॉरर एलिमेंट दिखाया गया है इस फिल्म का प्लस पॉइंट है। इस फिल्म में जिस तरीके से उन चारों को मारा गया है वो देखने के बाद आपके आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो ये फिल्म देखना मत भूलना। इस फिल्म की लिंक भी दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए, इस फिल्म को जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।